खीर और पूरी हमारे घर में हर पूजा में और या किसी को घर पर खाने पर बुलाया हो तो जरूर बनती है। मेरी दादी हमेशा ये बोलती थी कि खीर ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप उसे पूरियों से उठाओ तो वो दूध के जैसे गिरे भी ना और हलवे की जैसी भी ना हो। तो आज इस रेसिपी में हम देखते हैं कि परफेक्ट खीर कैसे बनाते हैं। 2 लीटर दूध के लिए हम यहाँ 1/4 कप राइस यूज करेंगे। अगर आपके पास इस तरीके का मेजरमेंट कप नहीं है दोस्तों, तो आप 2 मुट्ठी राइस ले सकते हैं। अगर आप 1 लीटर दूध के लिए खीर बना रहे हैं तो आपको 1 मुट्ठी राइस लगेगी, और अगर 2 लीटर के लिए बना रहे हैं तो 2 मुट्ठी, या फिर 1/4 कप 2 लीटर के लिए और 1/4 का हाफ फॉर 1 लीटर मिल्क के लिए। राइस को धोकर हम हाफ एन आवर 30 मिनट्स के लिए सोक कर लेंगे। ये देखिए, हमने राइस को आधे घंटे के लिए सोक करके रखा है। राइस हमारी अच्छे से हो गई है और मैंने इसमें से पानी निकाल लिया है। खीर बनाने के लिए आप जब भी बर्तन लें तो वो एल्युमिनियम का या पीतल का, ब्रास का ही लें। स्टील के बर्तन में आप खीर कभी ना बनाएं, क्योंकि उससे खीर नीचे चिपकने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिससे आपकी खीर में एक जलने वाली स्मेल आ जाएगी। तो ये मीडियम आंच में मैंने पैन रखा हुआ है, कुकर ले लिया है, उसमें एक बड़ा चम्मच घी का डाल दिया है, और इसमें इस घी में हम अपने सोक किए हुए जो राइस था उसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, ताकि राइस में पूरा घी अच्छे से आ जाए। तो जस्ट फॉर मिनट, 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए आप राइस को इसमें चला लें। 2 मिनट चलाने के बाद आप ये देख रहे हैं, हमारा राइस अच्छे से घी में रोस्ट हो गया है। आप इसके लिए जो छोटे वाले राइस आते हैं खुशबूदार, वही राइस लें। बासमती राइस ना लें, जो लंबे होते हैं, उससे खीर में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अभी आपको 2 लीटर के अकॉर्डिंग ये राइस बहुत ही कम लग रहा होगा, बट यकीन मानिए जब हम खीर बनाएंगे तो ये बिल्कुल ही राइट प्रोपोर्शन में हमें अच्छा लगेगा। राइस को आप एक बाउल में निकाल कर अलग से रख दें, और सेम बर्तन में हम अपना 2 लीटर दूध डालकर मीडियम फ्लेम में, मतलब मध्यम आंच में पकाएंगे। जिस पैन में मैंने चावल को रोस्ट किया था घी के साथ, उसी में मैंने 2 लीटर दूध डाल दिया है। यहाँ पर मैंने होल मिल्क यूज किया है, ये देखिए। दूध को मीडियम फ्लेम में आप उबाल आने दें। ये हमारे दूध में अभी उबाल आ गई है, दूध अच्छे से उबल रहा है। यही एकदम सही समय है हमारा जो राइस है, जिसे हमने घी में रोस्ट किया था, वो डालने का। और ये डाल के मीडियम फ्लेम में आप इसे पकने दें। इसे बीच बीच में हिलाते रहें ताकि राइस नीचे चिपके ना। जब तक ये पक रहा है, हम अपने ड्राई फ्रूट्स रेडी रखते हैं। मैंने 10 से 15 काजू ले लिए हैं और 10 से 15 बादाम। आप इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं, पर अगर आपको किशमिश डालना है तो आप पहले उसे घी में 5 से 6 सेकंड के लिए गर्म घी में तल लीजिए और फिर उसके बाद इसमें डालिए। काजू और बादाम को मैंने बारीक चॉप कर लिया, रफली चॉप है ये। खीर में फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए 6 इलायची और थोड़ा सा जायफल, नटमेग। जायफल ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप सिर्फ इलायची डालिए। इलायची का छिलका निकालकर इसे मैं जायफल के साथ कूट ले रही हूँ। ये देखिए, मैंने इलायची और नटमेग का जायफल का एक अच्छा फाइन पाउडर बना लिया है। आइए अब हम देखते हैं कि हमारा चावल कितना पक गया है। हमारा चावल लगभग पक गया है, आप इसे ओवर कुक ना करें। और अब इसमें हम डालते हैं शक्कर। आपने जितनी चावल ली है आप उतने ही शक्कर डालें। लंदन में शक्कर बहुत ही बारीक आते हैं, जैसे कि नमक के जैसे, तो मैं इसमें एक्स्ट्रा 1 चम्मच शक्कर और डालूंगी। इंडिया की शक्कर काफ़ी मोटी होती है, तो आपने जितना चावल लिया था उतना ही शक्कर डालें। ये देखिए, ये काफ़ी ही बारीक आती है, मैंने 1 चम्मच और डाल दिया। मुझे लाइट मीठा पसंद है, और इसे कंटिन्यू चलाते रहें ताकि शक्कर अच्छे से दूध में घुल जाए, और इसे पकने दें।
ढककर हमारी घुल गई है। अब मैंने गैस को थोड़ा मीडियम कर लिया है ताकि हमारी खीर अच्छे से बन जाए। हम अपना राइस देखते हैं। यस, हमारा खीर ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें राइस पक गया है। ये सही टाइम है कि हम इसमें हमारे चॉप ड्राई फ्रूट्स डाल दें और इसे हिलाते रहें। जायफल और इलायची का पाउडर भी डाल दें ताकि खीर में फ्लेवर बहुत अच्छे से आ जाए। आपको एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होगी जब आप ये बना रहे होंगे और इसे हम राइट कंसिस्टेंसी तक पकाएंगे। आंच को धीमा कर दें ताकि आपकी खीर नीचे से बिल्कुल ना चिपके। वजह क्या है देखो जरा तुम, घड़ी गुजर जाए ना प्रेम की ये घड़ी। मुझे खाना बनाते वक्त गाना गाना और गाना सुनना बहुत ही पसंद है। अगर आपको मेरा गाना ना पसंद आए तो ना सुने। और ये देखिए हमारी खीर, ये पक के पूरी रेडी हो चुकी है। जो दूध था वो भी अब आधा हो चुका है और हल्का इसमें पीलापन भी आ गया है। वैसे ये अभी थोड़ी पतली है, आप इसे ऐसे ही रहने दें, ज़्यादा गाढ़ा ना करें क्योंकि खीर ठंडा होने के बाद और गाढ़ी हो जाती है और अगर आप इसे फ्रीज में रख कर खाएंगे तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो बस इसे यहीं पर गैस ऑफ कर दें। एक बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है हमारे खीर में और अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। और ये देखिए आधे घंटे के बाद हमारी खीर कितनी गाढ़ी हो गई है और इसमें कितना अच्छा पीला रंग भी आ गया है। अब इसे हम खाते हैं गरम गरम पूरियों के साथ। आप फ्रिज में रखकर इसे ठंडा भी खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।